नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप स्कॉलरशिप का पैसा कैसे चेक कर पाएंगे, आपका आया है कि नहीं आया है, और आया है तो कौन सा डेट में आया है और कौन सा बैंक अकाउंट में आया है। सारा कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि अपना स्कॉलरशिप का पैसा आप कैसे चेक कर पाएंगे, आपका कौन सा बैंक अकाउंट में आया है, कौन सा डेट में आया है कि नहीं आया है। सारा कुछ आप डिटेल इस वीडियो में आप देख पाएंगे, चुटकियों में एकदम कुछ ही सेकेंड में आप जान पाएंगे कि आपका बैंक अकाउंट में कौन सा बैंक अकाउंट में पैसा आया है और कितना आया है, कौन सा डेट को आया है कि नहीं आया है। सारा कुछ आप पैसा के संबंध में, अपना स्कॉलरशिप का पैसा के संबंध में इस वीडियो में आप देखने को आप सीख जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। हम इस वीडियो में आप सिर्फ और सिर्फ झारखंड के बारे में बताएंगे, क्योंकि झारखंड से बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा है। झारखंड के लोग, काफ़ी लोग बेवकूफ़ भी बन रहे हैं देखने के चक्कर में, तो YouTube पर काफ़ी ढूंढ रहे हैं किस तरह से PFMS का साइट से जाकर के चेक करो। चेक करने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं, झारखंड के भी यूट्यूबर बताते हैं, और अलग स्टेट की तो बात अलग ही रह गया। लेकिन क्यों बता, लेकिन आप लोग PFMS का साइट पर, आपको मैं बता दूं कि जो लोग इस वीडियो को देखते होंगे ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि आपको ये बहुत बड़ा हम इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप PFMS का साइट से अगर आप देखते हैं तो आपको देखते देखते वर्षों गुजर जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पर आपका डाटा नोट फाउंड ही बताएगा। क्योंकि झारखंड में स्कॉलरशिप का पैसा जो है, इकलैंड से जो लोग भरते हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म, उन लोगों को PFMS द्वारा पैसा आता ही नहीं है, DBT के माध्यम से आता है झारखंड में स्कॉलरशिप का पैसा। इसलिए आपका PFMS पे पैसा आने का कोई भी डाटा रिकॉर्ड आपको शो नहीं करता है, डाटा नोट फाउंड आपको बताता है, वहाँ पर आप चेक करते हैं। तो आपको उससे मैं करूँगा रिक्वेस्ट कि आप झारखंड के लोग हैं और PFMS के साइट से अगर आप स्कॉलरशिप का पैसा अपना देखते हैं, चेक करते हैं, तो आप वो ना करें, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका वहाँ पे नहीं शो करेगा, 100% शो नहीं करेगा। ई कल्याण से फॉर्म भरे हैं और PFMS साइट से चेक करते हैं रोज़ कि मेरा पैसा आया है कि नहीं आया, कैसे चेक करें, कैसे क्या करें, तो उस पर आप नहीं जाएंगे, आपका कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीका से आप चुटकियों में देख पाएंगे कि आपका पैसा कितना आया है और किस डेट में आया है, कौन सा बैंक अकाउंट में आया है या नहीं आया है। इस वीडियो में आपको हम देखने का पूरा तरीका बताएंगे। झारखंड के लोग अगर आप हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि झारखंड के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं, क्योंकि और यूपी बिहार सब लोगों को PFMS पे शो करता है। यूपी के लोगों को मैं फिलहाल चेक किया हूं, कुछ लोगों को तो उन लोगों को शो करता है PFMS पे, लेकिन झारखंड का नहीं शो करता है। तो झारखंड के लिए बहुत बड़ा ये चीज़ था, तो इस सॉल्यूशन का मैं लेकर के आया हूँ। शायद यूट्यूब पर ये झारखंड के लोग कोई यूट्यूबर शायद नहीं बनाए हैं, मैं पहला शायद हूँ इस वीडियो को बना रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, और स्कॉलर से संबंधित हर तरह की जानकारी हम अपने चैनल पर देते रहते हैं, हर तरह की समस्या का समाधान करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पहली बार होंगे तो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, देखेंगे सबसे पहले नंबर हम अपना दिखा दे रहे हैं, इसके बाद आपको ताकि इंटरेस्ट आए, ताकि जानकारी हमारा अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि फर्जी बनाया है, फेक बनाया है। आप देख रहे होंगे फाइनल अप्रूवेड बाई ए ऑफिसर, क्रेडिट डेट 27/5/2019, बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे, क्रेडिट अमाउंट 9000 रुपये मुझे मिला है, यहाँ पे देख रहे होंगे। तो चलिए आप भी कैसे अपना चेक कर पाएंगे कि आपको कितना आया है, हम वो चीज़ हम बताएँगे, पिछले साल का देख पाएंगे अपना रिकॉर्ड, और इस साल के भी हर साल का आपको दिखा तो देख रहे होंगे कि मैं फ़िलहाल 18-19 ईयर को मैं फिलहाल देखा हूँ। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे 27/5/2019 को मुझे पैसा आया है, 18 में भरा था, 19 में मुझे पैसा आया, पिछले साल का यानी कि मैं देखा हूँ, और अब 19-20 का। और यहाँ पे देखेंगे कि मैं 18-19 को मैं आपको दिखाया हूँ, यहाँ पे 19-20 को इस साल को मैं दिखा रहा हूँ, तो इस साल मुझे पैसा फिलहाल लंबे समय से मैं लॉगिन किया था तो लॉकआउट हो गया है, तो यहाँ पे फिर से मैं स्टूडेंट लॉगिन पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालूंगा और पासवर्ड ऑलरेडी मेरा डाला हुआ है पहले से, और यहाँ पे कैप्चर मैं डाल दूंगा और यहाँ पे मैं लॉगिन कर लूँगा 8352 38। ये नया अपडेट है, इसलिए कोई यूट्यूबर भी इसको जानकारी आपको नहीं देगा, क्योंकि पहले नहीं शो करता था इस तरह के। फिलहाल मैं आज ही देखा हूँ, तो आज सबको मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, पहले से ये चेक हम लोग भी नहीं कर पाते थे झारखंड ई कल्याण के पोर्टल पर। नया अपडेट आया है, एकदम नया है, इससे बहुत लोग शायद ही कोई लोग जानता हो, नहीं तो तक वीडियो काफ़ी बन चुका होता है। तो देख रहे होंगे स्टेटस पे मैं, एप्लीकेशन स्टेटस पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे एडमिशन ईयर पे मुझे क्लिक करना है, और यहाँ पे 19-20 पर मैं फ़िलहाल चेक करूँगा, इस साल को चेक करना है। तो आप जितने साल का चेक करना चाहते हैं, 2014-15 तक आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर।
2014-15 तक आप चेक कर सकते हैं, मतलब 5 साल का रिकॉर्ड अपना स्कॉलरशिप का देख सकते हैं, जिस साल में आप भरे होंगे उसका भी आप चाहते हैं 2000 पिछले साल का आप देखना चाहते हैं 18-19 को, तो आप यहाँ पर टिक मार कर देंगे। ये तो आप चाहते हैं कि 2019-20 को देखेंगे, तो 19-20 पर मैं फिलहाल क्लिक कर रहा हूँ। देख रहे होंगे यहाँ पे फाइनल अप्रूवेड बाई ए ऑफिसर, यानी कि मुझे फाइनल अप्रूवेड हो चुका है, और यहाँ पे देख रहे होंगे कि पैसा मुझे नहीं आता, तो मुझे यहाँ पे पैसा सारा शो करता है। पहले आ जाने के बाद भी ये सिर्फ फाइनल अप्रूवेड बाई ए ऑफिसर ही लिखता था आपको यहाँ, लेकिन फिलहाल जो अभी आपको मैंने दिखाया कि पूरा डेट अमाउंट सारा कुछ लिख रहा है, बैंक अकाउंट लिख रहा है, वो फिलहाल अपडेट किया है। तो अब आप लोगों को पैसा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगा, कोई भी अलग अलग वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं होगा कहीं पैसा चेक करने के लिए, बस आप ये किलाने की वेबसाइट से ही सारा कुछ आप देख सकते हैं कि पैसा किस डेट में आया है, कितना आया है, कौन सा बैंक अकाउंट में आया है। चलिए फिर मैं अपना दिखा भी दे रहा हूँ, 2018-19 को मैं क्लिक कर रहा हूँ, पिछले साल का आपको दिखा रहा हूँ। देख रहे होंगे कि पिछले साल में फाइनल अप्रूवेड बाई ए ऑफिसर, फाइनल अप्रूवेड लास्ट अप्रूवेड यही होता है फाइनल अप्रूवेड बाई ए ऑफिसर। इसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे क्रेडिट डेट 27/5/2019 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर ये है, बैंक क्रेडिट अमाउंट ये, मतलब कि मुझे 9000 रुपये मुझे स्कॉलरशिप का मिला था, इसे बैंक अकाउंट में डाला गया है इतने डेट को, सब कुछ यहाँ पे डिटेल शो कर रहा है। और पहले ऐसा नहीं था, पहले आ जाने के बाद भी यहाँ पे कुछ भी आपको शो नहीं करता था, तो फिलहाल ये नया अपडेट है, तो एक बार आप लोग जरूर ट्राई करेंगे। और हमारे चैनल पर पहले बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।